जी हाँ, तो अब इंडिया खंड खंड है और अब बारी क्या झारखंड की, ये सवाल बड़ा हो गया। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। हिंदुस्तान में शायद ये अपने आप में पहला मामला होगा जब एक सीएम और एक जांच एजेंसी के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा हो। अगस्त महीने से लेकर अब तक अगर बात की जाए, लगभग 5 महीनों के भीतर सीएम हेमंत सोरेन को जांच एजेंसी ईडी ने 10 बार समन किया, लेकिन हेमंत गायब रहे, कई बार टालते दिखे। मामला गंभीर है क्योंकि प्रदेश के मुखिया रहते पद के दुरुपयोग का सीधा सीधा गंभीर मामला है। कहां है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन? बीजेपी ने के शहर शहर पोस्टर तक चपका करवा दिए और जब तक उनका पता चला तब तक राज्य में संवैधानिक संकट की दलीलों के साथ राष्ट्रपति शासन तक की मांग उठाई जाने लगी। झारखंड में अब तक बड़े सियासी संकट के बीच उन्होंने विधायकों की तुरंत बैठक बुलाई, सब कुछ ऑल इज वेल का संकेत दिया गया, लेकिन सवाल सिर्फ झारखंड सरकार का नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का भी है, लाजमी है, जिसमें वो शामिल है। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा, क्योंकि पहले ममता, फिर नीतीश, अब सोरेन, और इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिया खंड खंड, तो क्या अब झारखंड? देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका है ना, आप कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मानते हो, गिल्टी मानते हो। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। ये झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है, तमाम आदिवासियों का अपमान है। आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे, आप हारने जा रहे हो, आपको राम भी नहीं बचा रहा। आपके दिल में 2024 लोकसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, देश में ईडी की शिफ्ट डबल और ट्रिपल हो गई। विपक्षी पार्टियों की क्राइम कुंडली खोली जा रही, ईडी ताबड़तोड़ छापेमारी करके अलग अलग पार्टी के नेताओं से पूछताछ कर रही है। और ईडी के हर एक्शन के बाद देश की सियासत में तेजी से उबाल आ रहा है। इसी कड़ी में ईडी ने 29 जनवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान झारखंड सीएम हेमंत सोरेन तो मौके पर नहीं मिले, लेकिन ईडी की टीम ने भारी मात्रा में बंगले से नकदी बरामद की। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि हेमंत सोरेन के बंगले से 36 लाख रुपए नकद बरामद किए गए, साथ ही 2 लग्जरी कार भी जब्त की गई। हालांकि इस घटना के बाद दिल्ली में हेमंत सोरेन अचानक लापता हो गए, जिसके बाद ईडी लगातार उनके तलाश में दबिश दे रही थी। बीजेपी ने बाकायदा हेमंत के लापता वाले पोस्टर हर जगह चस्पा कर दिए। परसों रात से ही लोग बता रहे हैं लापता है। आखिर राज्य के जो इंटेलिजेंस विभाग है, पुलिस महाकामा है, अगर उन लोगों को भी पता नहीं है कि उनके बारे में, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। हालांकि बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन सोमवार देर रात ही रांची पहुंच गए थे और किसी अज्ञात ठिकाने पर थे। सीएम के अपने आवास पर पहुंचने के साथ ही उनके रहस्यमय तरीके से लापता होने की खबरों पर विराम लग गया। साथ ही वो रांची के गांधी भवन पहुंचे और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी जी का आज पुण्यतिथि है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि वो कहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि वो आपके दिल में हैं, थे और रहेंगे। आपके दिल में थे, चली 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 नहीं, क्या सवाल है, इसका मतलब क्या है? उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन के परिवार ने भ्रष्टाचार किया है। उनके नाम 82 बेनाम प्रॉपर्टियां हैं, जिसका ब्यौरा उन्होंने ना तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया, ना ही चुनावी हलफनामे। साथ ही ये भी कहा कि अगर 2024 में ये फाइलें खुल गईं, तो सोरेन परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने के काबिल नहीं होगा। आपको आश्चर्य होगा कि 82 संपत्ति ऐसी है जो शिबू सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, हेमंत सोरेन जी की है, उनकी पत्नी की है, उनके परिवार के लोगों की है, उनके बेटी के है, उनके दामाद के हैं, जो न इनकम टैक्स में उन्होंने शो किया है, न सभी लोग चुनाव लड़ते हैं चुनाव हलफनामे में। सर, 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 सर,
जी हाँ, तो आप बीजेपी जमकर हमलावर है हेमंत सोरेन के ऊपर लोग 2024 को लेकर, लेकिन ये सारी तैयारी अगर आप देखें तो उसी संदर्भ में नजर आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के एनडीए गठबंधन को चुनौती देने की बनाया, दावा किया 24 के रण में मोदी के विजय रथ को रोक लेंगे, लेकिन पहले बंगाल फिर बिहार अब झारखंड में गठबंधन अगर मगर की स्थिति में फंस गया है। कहीं सहयोगी ने एकला चलो रे का नारा दे दिया, कहीं किसी ने पाला बदल लिया, तो कहीं सहयोगी पार्टी के लीडर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। और ऐसे में ताजा मामला झारखंड का है, जहां जमीन घोटाले में ईडी की जांच की आंच में आ गए हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। तो आखिर क्यों ईडी इनके पीछे पड़ी है, क्या है उन पर यह आरोप जिसको गंभीर कहा जा रहा है, आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए कैसे ही मामला शुरू होता है, कब शुरू होता है और कैसे इस पूरे फेर में फंस गए हैं हेमंत सोरेन। ये चेहरा जो छुपा रहा लेकिन आखिरकार सामने आया, कहा दिल में हूं। देखिए रांची अनगढ़ा में पत्थर खदान अपने नाम पर लीज ली इन्होंने। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर यही आरोप है कि अपने पद का दुरुपयोग किया, मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पर पत्थर खदान जो थी उसकी लीज ले ली। और देखिए ऐसे में क्या आरोप लगते हैं कि सीएम पद पर रहते हुए अपने नाम सरकारी ठेका लिया गया, ये कहां तक उचित है? उचित इसलिए भी नहीं क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। ईडी दरअसल अपनी चार्जशीट में क्या कहती है वो जान लीजिए। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि सीएम पद पर रहते सरकार ने जिस जमीन की माइनिंग लीज दी वो सरकारी संपत्ति है और मुख्यमंत्री एक सरकारी सेवक है और इस नाते उनके द्वारा लीज लेना अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है। और ऐसे में ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 और संविधान के अनुच्छेद 191A का सीधा सीधा उल्लंघन है। इसके अलावा देखिए खनन और पर्यावरण मंत्रालय हेमंत सोरेन के पास ही था। बड़ी बात यह, जिस वक्त ये लीज ली गई उस वक्त खनन और पर्यावरण मंत्रालय दोनों हेमंत सोरेन के पास थे और वो उस समय मुख्यमंत्री थे। अब देखिए हेमंत सोरेन पर इसलिए आरोप लग रहे हैं कि पद का दुरुपयोग किया, लाभ उठाया, और ये आरोप गंभीर हो जाता है क्योंकि वो सीएम थे। चूंकि पत्थर की माइनिंग बिना लीज के कोई आम आदमी नहीं कर सकता है, अतः हेमंत सोरेन को सरकार के द्वारा लीज देना सरकार का कार्य करना है। ऐसे में उन पर पद का लाभ उठाने के मामले में ईडी अब पूछताछ कर रही है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि ईडी ने बिना कोई नोटिस दिए सीएम हेमंत सोरेन को समन कर लिया, उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, बल्कि बाकायदा इसके लिए उन्हें 10 बार ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस दिया गया है। और शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि 10-10 बार कोई जांच एजेंसी तलब कर रही है किसी सीएम को और वो मौजूद नहीं रह रहे, जांच में शामिल नहीं हो रहे। अब आपको बताते हैं कब कब, ये जो टाइमलाइन है वो आपको दिखाते हैं, कैसे ये शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और कैसे हेमंत सोरेन एक तरीके से इसे टालते रहे। पहला नोटिस देखिए कब मिला, 14 अगस्त को, लेकिन क्या हुआ, नोटिस देने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए हेमंत सोरेन। अगला नोटिस देखिए, दूसरा नोटिस ये 24 अगस्त को उसी महीने में मिला, दूसरा नोटिस भी मिला, उसके बाद फिर तीसरा मिलता रहा, एक के बाद एक मिलता रहा, हेमंत सोरेन कई बार टालते रहे। तीसरा नोटिस देखिए 9 सितंबर को मिला, उसके बाद चौथा नोटिस मिलता है 23 सितंबर को, अगस्त में 2 बार, सितंबर में फिर 2 बार, उसके बाद अक्टूबर आ जाइए, पांचवा नोटिस 4 अक्टूबर को उनको दिया गया। उसके बाद छठा नोटिस जो था वो थोड़ा अक्टूबर के बाद नवंबर का महीना निकल गया, 12 दिसंबर को मिला। सातवा नोटिस देखिए 29 दिसंबर को मिला उनको, कुल मिलाकर के 10 नोटिस। आठवां नोटिस अगर बात करें 13 जनवरी को, इसी महीने ये आठवां नोटिस उनको गया। उसके बाद नवे नोटिस की बात करें 22 जनवरी को नवा नोटिस गया, और दसवां नोटिस उनको गया 27 जनवरी को। यानी ईडी ने सोरेन को सबसे पहला समन 14 अगस्त को चाहिए, लगभग ये 5 महीने का वक्त हुआ अब तक अगर देखा जाए तो। और सोरेन ने इस पर लिखित जवाब दिया था उस वक्त और समन को ही गैर कानूनी ठहरा दिया था, पेश नहीं हुए थे। एजेंसी ने इसके बाद भी उन्हें समन भेजना बंद नहीं किया, लगातार जारी रखा। सोरेन ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाईकोर्ट भी गए, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। आखिरकार ईडी के 8वें समन पर उन्होंने 20 जनवरी को इस महीने पूछताछ के लिए उपलब्ध होने पर सहमति जरूर जताई और तब एजेंसी की टीम ने उनके आवास पहुंचकर पूछताछ की थी। लेकिन फिर जब उन्हें 10वां समन भेजा गया तो अचानक गायब हो गए। हालांकि बाद में सड़क के रास्ते दिल्ली से रांची लौटे, लेकिन इसी के बाद से झारखंड में सियासी बवाल उबाल दोनों मचा हुआ है। झारखंड में मचे सियासी तूफान को विपक्ष बीजेपी का 2024 का प्लान करार दे रही। विपक्षी गठबंधन इंडिया का आरोप है कि जानबूझकर इंडिया गठबंधन को परेशान किया जा रहा है ताकि गठबंधन को कमजोर किया जा सके, जिसके लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सोरेन के ऊपर रेड करो, केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो,
ये नौटंकी क्यों चल रही है? आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे हो। आपको 200 पार करने की आपकी औकात नहीं है, इसलिए आप ये सब करके आपका जुगाड़ जो है बहुमत का आप करना चाहते हो, लेकिन नहीं होगा, आप हारने जा रहे हो, आपको राम भी नहीं बचा रहा है। एक मुख्यमंत्री है, उनकी प्रोटोकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप ईडी हेमंत सोरेन जी को खोज रही है, चक्कर क्या है ना, ये सबको ढूंढेंगे। अब यहाँ आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा। विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसी से भी संघर्ष करना है, लेकिन नतीजे अगर उलटा है ना, तो जो लोग आज ईडी आईटी सीबीआई से ये करवा रहे हैं, सबके सब जद में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा, लेकिन हम कहेंगे सर शुरुआत तो आप लोगों ने की थी। झारखंड से लेकर बिहार और बंगाल से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र तक ईडी फुल एक्शन में। 5 राज्यों में ईडी की कार्रवाई उन पार्टियों के नेताओं पर हो रही है जो कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है। ऐसे में इन कार्रवाइयों को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि कार्रवाई उन पर हो रही है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये भी जान लीजिए, और शायद आप जानते भी होंगे कि ये सिर्फ झारखंड का मसला नहीं है, झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सहयोगियों पर आरोप लग रहे हैं इंडिया गठबंधन के। ये पॉइंट आउट करना जरूरी हो जाता है और जांच एजेंसियां लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं। ऐसे में ईडी के एक्शन से इंडिया गठबंधन में टेंशन होना लाजमी है क्योंकि सर पर चुनाव है। तो चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कौन कौन से राज्य में किन किन नेताओं पर ईडी की गाजगिरी है, ऐसे जांच का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो नाम जो हमने जिक्र किया, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ही नाम आता है। क्या है मामला? रांची जमीन घोटाले का मामला है। अब तक एक्शन 10 समन ईडी ने एक एक करके इनके खिलाफ भेजे, फुल एक्शन में ईडी नजर आ रही है और छापेमारी भी की। वहां से बहुत सारा कहा गया है कि पैसा भी जब्त किया गया, कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं दिल्ली की आवाज से। इस लिस्ट में आइए अब दूसरा नाम आपको बता देते हैं, वो दूसरा नाम कौन सा है, चेहरा भी आपको दिखाते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, लगातार हमलावर भी हैं दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मामला क्या है? दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा इनके खिलाफ ये मामला है। अब तक एक्शन क्या 4 समन इनको भी भेजे गए हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ यहां भी इंडिया गठबंधन की भी टेंशन कम नहीं हो रही है इनको लेकर भी, क्योंकि ये भी एक अहम चेहरा है गठबंधन में। केजरीवाल को 4 नोटिस जरूर मिले, लेकिन अभी तक पूछताछ के लिए ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए। अब तीसरा नाम आपको दिखाते हैं, तीसरा नाम इस लिस्ट में है संजय राउत का, सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे। क्या है मामला? गोरेगांव चौल घोटाले का मामला है। अब तक एक्शन क्या हुआ है? जमानत पर ये बाहर हैं, आपने देखा होगा जब इनको गिरफ्तार किया गया था, एक लंबे अरसे तक जेल में रहे थे, उसके बाद छूटे, अब जमानत पर हैं। चौथा नाम आइए आपको दिखाते हैं, चौथा नाम जयंत पाटिल, विधायक एनसीपी शरद पवार गुट के। क्या है मामला? सहकारी बैंक घोटाला, ILNFS फ्रॉड मामला है। अब तक एक्शन क्या लिया गया है? करीबियों से इनसे पूछताछ इनके चल रही है। दरअसल गलत तरीके से खातों से नकदी में पैसा निकाला गया खातों से, और इसमें जयंत पाटिल से जुड़े राजा राम बापू सहकारी बैंक लिमिटेड के कार्यालय का नाम सामने आया था, और अब तक इसमें उनके जो करीबी हैं उनसे पूछताछ की जा चुकी है। अब ये लिस्ट ही खत्म नहीं होती, अब आगे भी कुछ नाम आपको गिना देते हैं। पांचवा नाम देखिए, डेप्यूटी सीएम बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम अब तेजस्वी यादव, इनके खिलाफ मामला क्या है? लैंड फॉर जॉब स्कैम। अब तक एक्शन क्या हुआ है? चार्जशीट दायर और लंबी पूछताछ भी उनसे ईडी कर चुकी है, 9 घंटे की लंबी पूछताछ उसके बाद बाहर निकले हैं। अब एक और नाम आपको दिखाते हैं, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, विधायक टीएमसी मामला, शिक्षक भर्ती घोटाला। अब तक एक्शन क्या हुआ है? 2 बार इनसे भी पूछताछ की जा चुकी है, शिक्षक भर्ती घोटाले में इनका नाम सामने आया, इसको लेकर ईडी ने इनसे पूछताछ की है। लेकिन यहां जितने भी आपने चेहरे देखे, छापेमारी लगातार ईडी की चल रही है। इधर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है गंभीर रूप से, और इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक मकसद को साधने के लिए, यानी कि चुनाव को जीतने के लिए। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन एक बात साफ है कि ईडी की इन कार्रवाइयों ने इंडिया गठबंधन की गांठ को ढीला करने का काम जरूर कर दिया है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई उस वक्त में हो रही है जब 2024 का आम चुनाव करीब है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड की राजनीति का आधार आदिवासी वोट बैंक रहा है, जिसकी राजनीति के दम पर हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम सत्ता में बनी हुई। माना जाता है कि झारखंड के चुनाव में आदिवासी वोट बैंक किंग मेकर की भूमिका में होता है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो 14 लोकसभा सीटों वाले झारखंड में बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं उसके सहयोगी दल आजसू को 1 सीट मिली थी, जेएमएम के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई थी।
लेकिन विधानसभा चुनाव में जेएमएम को आदिवासी वोट बैंक का जबरदस्त साथ मिला। यही कारण है कि 19 से 20 सीटों वाली झामुमो सीधे छलांग लगाकर 30 के आंकड़े तक पहुंच गई। इस लंबे छलांग में झामुमो को आदिवासी के अलावा क्रिश्चियन, मुसलमान, महतो वोटर्स का भी भरपूर साथ मिला, जबकि भाजपा 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान एसटी सीटों पर ही हुआ था, वहीं कांग्रेस को 16 और अन्य को 10 सीटें मिली। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए का सामना भाजपा विरोधी पार्टियों की गोलबंदी से तैयार हुई इंडिया गठबंधन से होना है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी राहें आसान नहीं। चुनावी मौसम में ईडी के बढ़ते एक्शन ने सवाल उठाया है कि आखिर सारे एक्शन विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं पर ही क्यों। ये सवाल तब भी सामने आते थे जब कांग्रेस या यूपीए की सरकारें रही, लेकिन जिस तेजी से पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है, उससे आने वाले वक्त में देश की राजनीति का पारा हाई होना तय है। और ईडी की रेड चुनावों को किस करवट लेकर जाती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।